हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं कुछ गार्डन के वर्क कर रही हूँ। धूप तो तेज़ है थोड़ी सी, मतलब बीच में बादल हो जाते हैं, छाया हो जाती है और तेज़ धूप भी निकल रही है। तो मैंने कुछ वर्क सोचा मैं कर लूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम हो गया है और कर नहीं पा रही हूँ उतना ज़्यादा। तो थोड़ा थोड़ा करना शुरू करूँगी तभी होगा। यहाँ देखिए मेरा जो ये रोज़ का प्लांट है, कितना ज़्यादा ब्लूम्स हुआ था, लेकिन अभी हम इसके सारे फ्लावर इस तरह से कट करके हटा देंगे, क्योंकि अभी हमको इनको थोड़ा सा तैयार करना है विंटर के लिए। तो जितनी भी फ्लावरिंग है ये सारी हम इसकी हटा देंगे। खास करके सूखे हुए फूल तो बिल्कुल हटा देना है, जो फ्रेश फूल हैं उनको भी मैं हटा देती हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये एनर्जी फूलों में अभी लगाएगा तो ये विंटर में फिर उतनी अच्छी नहीं ग्रोथ कर पाएगा। तो इसकी एनर्जी को हमको वेस्ट नहीं करना है और इस तरह से इसके फूलों को हटा लेना है। फूल बहुत प्यारे प्यारे से खिले हैं, देखिए कितने साइज छोटा है लेकिन बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। थोड़ा सा थ्रिप्स का अटैक भी है, तो ये कलियां और सारे फूल हम इसके हटा देते हैं ताकि हमारा प्लांट विंटर में ज़्यादा अच्छे फ्लावरिंग करे। उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे जितनी भी किचन वेस्ट कंपोस्ट थी उसको मैंने आज थोड़ा सा धूप में फैला दिया है, और धूप में थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। उसके बाद मुझे पॉटिंग मिक्स तैयार करनी है अपने विंटर प्लांट के लिए। तो मैं जो देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी कंपोस्ट, बिल्कुल डीकम्पोज हो चुका है सब कुछ इसमें, और बहुत ही अच्छी कंपोस्ट है। इसमें हम थोड़ा सा धूप दिखा देंगे तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, तो मतलब कि मिलाने में फिर अच्छा लगता है। ये देखिए जितनी भी कंपोस्ट है हमारी बिल्कुल फाइन हो चुकी है, बिल्कुल मतलब कि अच्छे से डीकम्पोज हो गया है। कोई भी पार्ट इसका ऐसा नहीं है जो मतलब डीकम्पोज नहीं हुआ हो, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा धूप में डाला हुआ है ताकि अच्छे से डीकम्पोज हो जाए। ये बस ये मैंने बाद में डाल दिया था, ये पाइन एप्पल का ऊपर का पीस है, तो इसको हम वापस से फिर से भर देंगे। और अभी जो नया किचन वेस्ट था इसमें मैंने फिर से वापस से इसको भर के रख दिया है। थोड़ी सी मैंने इसमें मिट्टी मिला दी है, थोड़ा सा यही कंपोस्ट मैं बाद में और मिला दूंगी। इस मटके में भी अभी देखिए आधी भरी हुई थी, इसको अभी यहाँ पे जगह नहीं है। ये वाला पार्ट जब सूख जाएगा तो मैं उसको फैला दूँगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए जितने भी पुराने गमलों की मिट्टी है उसको भी हमको थोड़ा सा ड्राई कर लेना है और निकाल कर, देखिए इसमें सैंड है, सिर्फ सैंड में कुछ कटिंग मैंने लगाई रही होगी, तो इस तरह से इनको भी हमको ड्राई कर लें। देखिए कोचिया के प्लांट हैं, इनको भी हमको ये इस तरह से कर लेना है, इनको मिट्टी को। इनमें देखिए सैंड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे इस बार सैंड मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मेरे पास अभी सैंड है भी नहीं। अब ज़्यादा काफ़ी मात्रा में सैंड इस बार यूज हुई मेरे गार्डन में बहुत सारी कटिंग वगैरह लगाने में, और ये काफ़ी हार्ड है तो मैं इसको फेंक दूँगी बाहर, क्योंकि बहुत। और देखिए इसमें अपराजिता का प्लांट भी ग्रो हुआ था, तो इसको हम हटा देंगे, अब इसको मैं नहीं ग्रो करूँगी। और जो भी खाली डिब्बे गमले जो भी हैं इस तरह से देखिए, तो उनको सबको हमको अच्छे से धो करके रख लेना है। तो एक दिन में सारा काम नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो ये मिट्टी हम पूरी इस तरह से ड्राई कर देते हैं, मतलब कि डाल देंगे तो सूख जाएगी जितनी भी हमारी मिट्टी है। और कुछ मैंने यहाँ पे देखिए पॉलीथीन से कवर की थी, क्योंकि हमारे यहाँ रेगुलर बारिश हो ही रही थी, तो उस कंडीशन में बहुत सारी मिट्टी मैंने कवर करके भी रखी हुई थी। और ये पॉट वगैरह खाली हो रहे हैं, जितने भी उनको हम ले चलेंगे बाद में क्लीन कर लेंगे। इसको हम डाल देंगे कंपोस्ट बिन में, जो एक्स्ट्रा हमारे निकलेंगे। और ये पुराने गमले की जितनी भी मिट्टी है सबको आप इस तरह से पलट करके और अच्छे से इनको सुखा लीजिए, थोड़ा थोड़ा एक दिन दो दिन आप अच्छे से धूप दिखा दीजिए। उससे क्या होगा, जितना भी इसमें फंगस वगैरह होगा या फिर कुछ भी होगा, देखिए इसमें सैंड ही सैंड है, पूरा सैंड भरा हुआ है, तो इस पर सैंड की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि काफ़ी सैंडी सॉइल है मेरी जो गार्डन की है। देखिए अब ज़रूरी है, क्योंकि मेरे क्रिसेंथियम के प्लांट लेट हो रहे हैं रिपोर्ट करने के लिए। उनको पहले भी मैंने कोई खास पोषण नहीं दिया है, कुछ भी कंपोस्ट वगैरह बस थोड़ी सी एक दो बार डाली है और भी कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं दिया है, तो उनको ज़रूरी है रिपोर्टिंग करना। तो थोड़ी सी मिट्टी ड्राई कर लूँगी, उसके बाद मैं उनको रिपोर्ट कर लूँगी सभी प्लांट को। क्योंकि बकेट में काफ़ी सारी मिट्टी भरी हुई है, तो इसको भी हम पलट देंगे, और पुरानी मिट्टी ही हमको रीयूज करनी है। बस इसको आप दो दिन या एक दिन भी अगर छाया में आप सॉरी धूप में आप अच्छे से सुखा लेते हैं तो ये फिर से वापस से नए तरीके से हमारे प्लांट को पोषण देती है। साथ में हम इसमें थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र मिक्स कर लेते हैं तो ये फिर से न्यू रिचार्ज हो जाती है मिट्टी। तो यही है कि पुरानी मिट्टी को कैसे सैनिटाइजर करें या फिर रिचार्ज करें, कुछ भी आप बोल सकते हैं, जो भी आपको वर्ड अच्छा लगे, तो मतलब स्टेलाइज करें ताकि इससे फंगस वगैरह ख़त्म हो जाए, पेस्ट वगैरह जो भी कुछ हो एक्स्ट्रा यानी ख़त्म हो जाए, ये सब चीज़ें तो ये ज़रूरी होता है। ये देखिए तो भी इसको भी हम फैला देंगे यहाँ पर, ठिकरी वगैरह किनारे करके, और बाद में ठिकरी हमें फिर से ज़रूरत पड़ती है लगाने के लिए,
इस तरह से डालेंगे। बस पानी बस आज ना गिरे तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत मेहनत पड़ जाती है, तुरंत एकदम जल्दबाजी में काम करना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पर भी हमारी किचन वेस्ट कंपोस्ट है, ये भी किचन वेस्ट कंपोस्ट है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी डीकम्पोज है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से। तो ये भी किचन वेस्ट कंपोस्ट है लेकिन ये फिर से गीली हो गई जो ज़मीन में पड़ी है, क्योंकि नीचे से पानी जो मतलब पाइप का पानी भी यहाँ पर आ जाता है, सूखने के लिए रखा था लेकिन नहीं सूख पाया है अच्छे से और ये ड्राई होता ही रहता है। कोचिया वगैरह के प्लांट भी मैं हटा दूँगी क्योंकि मुझे नहीं चाहिए अब इनको रखना नहीं है, बहुत सारे प्लांट हैं अभी। और यहाँ पर देखिए तो आज मैं आपको फर्टिलाइज़र भी दिखाती हूँ कि आज मैं कौन सा फर्टिलाइज़र अपने गार्डन में देने वाली हूँ और किस फर्टिलाइज़र से बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में जो फ्लावरिंग होती है बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, तो मैं कौन सा फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ अपने गार्डन में वही आपके साथ अभी शेयर करूँगी। और यही मेरे गार्डन के आज वर्क है। देखिए यहाँ पर जो बालसम का प्लांट कितना ज़्यादा ब्लूम्स हुआ और कितना ज़्यादा सुंदर और हेल्दी सा है, बड़े से टब में ये अलमंडा के प्लांट में ही ग्रो हो गया तो मैंने इसको हटाया नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर यहाँ पर ब्लूमिंग हो रही है हिबिस्कस प्लांट में, और जितने भी हिबिस्कस है मेरे बहुत ज़्यादा बिग साइज़ के फ्लावर उनमें आते हैं, ये मिनिएचर हिबिस्कस है इसलिए इसके फ्लावर छोटे होते हैं, बाकी के साइज़ आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे हाथ के बराबर है, हाथ से बड़े बड़े हैं। ये हमारे पर्पल हिबिस्कस हैं, ये भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं। इधर देखिए टिकोमा भी बहुत अच्छा ब्लूम्स कर रहा है। और ये देखिए इसको मैं ये फर्टिलाइज़र सारा देने वाली हूँ ताकि इनमें अच्छी फ्लावरिंग हो। वहाँ पर देखिए एक हिबिस्कस इतना बड़ा उसमें ब्लूम्स होता है, बहुत ही ज़्यादा बिग साइज़ का होता है। इधर अलमंडा भी है, इधर कनेर है, ये बारिश की वजह से इनके फ्लावर झड़ गए, नीचे गिर गए हैं, पर फिर भी फ्लावरिंग हो रही है अच्छी। और देखिए डहलिया में कितने ज़्यादा ब्लूम्स हुए हैं, इस समय डहलिया बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में फूल आए हुए हैं। इधर रोज में भी बहुत सारे फूल आए हुए हैं। ये हमारा ग्लैंडुलस का प्लांट है जो कि खिल चुका है लगभग, अब थोड़ा सा और ऊपर का टिप बचा हुआ है। यहाँ हमेलिया में फ्लावरिंग हो गई, जबकि मैंने कोई साल फर्टिलाइज़र अभी नहीं दिया था इसको फ्लावरिंग के लिए खास। और इधर एक जोरा भी अच्छे से ब्लूम्स हो रहा है। तो मैं आज देने वाली हूँ बनाना पेल फर्टिलाइज़र, जो मैंने लिक्विड बनाया था उसी को मैं देने वाली हूँ अपने प्लांट में। तो चलिए मैं उसको किस तरह से दूँगी वो भी बता देती हूँ। वैसे मैंने कई वीडियोस की शेयर की हैं, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। ये वाला हिबिस्कस भी हमारा देखिए कितना सारा कलियों से भर गया है, बहुत ही सुंदर इसमें हेल्दी कली आ गई हैं कलियाँ। और तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ली है लगभग 10 लीटर पानी लिया है। और ये है बनाना पील, साथ में कुछ पोटैटो पील्स भी हैं, एप्पल के पील्स हैं और एप्पल भी है कुछ टुकड़े हैं। और बस यही चीज़ें हैं, ये देखिए ये पूरा ज़्यादातर इसमें बनाना पील ही है और लगभग 1 वीक हो गए इसको रखे हुए, चाहे और ज़्यादा हो गया, देखिए एक पूरा का पूरा बनाना भी डला हुआ है इसमें। और इसी तरह से मैंने अभी देखिए फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट पील्स रखे हुए हैं, इससे पपाया है, पोटैटो पील्स है ये देखिए, और खीरे के छिलके भी हैं इसमें, इसमें कीवी के छिलके हैं और बहुत सारे हैं, आप इसमें ऑनियन पील भी मिला सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें मैंने पहले भी मतलब डुबाए थे, इसमें बनाना पील सबसे ज़्यादा है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में था, लगभग 12 या 15 केले रहे होंगे तो उसके छिलके हैं। तो ये हम तो इस तरह से छन्नी लगाएंगे, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, मेरे पास कोई नहीं है अभी, तो मैं इसको छान लेती हूँ उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए हमने पूरा ही छान लिया क्योंकि बार बार छानने में दिक्कत होती है, इसमें थोड़े से मौसम्बी के भी छिलके थे और ये इस तरह से छान लिया हमने। थोड़ा सा मैंने ये जो इससे पतली वाली जाली थी इससे भी मैंने जो थोड़ा एक्स्ट्रा इस तरह से था तो वो भी मैंने कर लिया है, ये देखिए इस तरह से कुछ पार्ट नीचे गिर गए थे तो इसको भी हमने छान लिया है। अब इसमें हम मिलाएंगे लगभग जितना पानी है, ये लगभग 12-15 लीटर पानी है, ये 15 लीटर के लगभग पानी है, तो इसमें हम अभी कम से कम 10 लीटर पानी इसमें हम और मिक्स करेंगे, ये लगभग 25 लीटर पानी हमारा बन जाएगा और वही पानी हम अपने प्लांट में देने वाले हैं। तो आप भी इसको इस तरह से बना करके दे सकते हैं, बहुत अच्छा इफेक्टिव फर्टिलाइज़र है, बहुत ही ज़्यादा काम करता है। जितने भी आपके परमानेंट प्लांट हैं आप उसमें सब में दे सकते हैं, क्योंकि बारिश मुझे नहीं लगता आप सबके यहाँ बारिश इतनी ज़्यादा हो रही होगी कि मतलब ना दे सकें आप लिक्विड फर्टिलाइज़र, और हो भी रही है तो रेगुलर कंटिन्यू तो होती नहीं है बारिश, तो आप इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। मेरे गार्डन की जो मिट्टी है एक दिन में ही इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है कि मुझे दोनों टाइम ऐसा लगता है पानी देना पड़ जाएगा कभी कभी। तो ये हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो गया बिल्कुल, और थोड़ा सा पानी इसमें हमको और मिलाना है अभी। देखिए ऊपर और कुछ इसमें ऐसे दिख रहा है तो इसको भी आप चाहे तो छान सकते हैं, देखिए इस तरह से लिक्विड जैसा, ये बनाना पील ही है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो चाहे तो आप इसको छान सकते हैं। वैसे ये ज़्यादा छानेंगे तो निकल भी जाता है छन्नी से, ये ऊपर बस ऐसे तैर रहा है। और जो ये वाला है पार्ट आप इसको किचन वेस्ट कंपोस्ट में डाल दीजिए, ये कंपोस्ट बहुत अच्छी फिर से बन जाएगा हमारा। तो चलिए इसका जो इस डिब्बे में हम एक डिब्बा और निकाल लेते हैं, इसमें बाद में और पानी मिलाना पड़ेगा, दूसरे बकेट में ख़राब नहीं करना चाहती तो मैं इसको अलग कर लूँगी।
और इसमें थोड़ा इतना 5 लीटर पानी और मिक्स कर लूँगी। तो देखो तो ये हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमने ले लिया फर्टिलाइज़र और इसी को हम अपने प्लांट में डालने वाले हैं, तो आप भी डाल सकते हैं। और चलिए हम चलते हैं ऊपर, क्योंकि बड़ी बाल्टी लेकर के मैं जा नहीं पाऊँगी। तो फर्टिलाइज़र देने से पहले एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए, मिट्टी थोड़ी सी ड्राई होनी चाहिए। वैसे मैंने सुबह पानी दिया था क्योंकि इनकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख गई थी, तो फिर भी इसकी इनमें नहीं दिया है, जिनमें नहीं दिया है उनमें मैं भी ये फर्टिलाइज़र आपको डाल के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से इसी तरह से मैं अपने गार्डन में ये वाला फर्टिलाइज़र देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा पारिजात का प्लांट है और बहुत ज़्यादा अच्छी ब्लूमिंग करते हैं इस समय। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग इनमें सब में हो रही है। ये देखिए हमारा टिकोमा कितना ज़्यादा ब्लूम्स हुआ है। तो इधर देखिए, जो हिबिस्कस के प्लांट हैं इनमें हम भी हम सब में दे देंगे ये फर्टिलाइज़र, पिंटास। तो जितने मेरे परमानेंट प्लांट आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं सभी में ये फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ। तो थोड़ा सा अभी मैंने आपको डाल के दिखा दिया है, बस मैं इसी तरह से दे दूँगी सबको, तो आप लोग भी चाहे तो दे सकते हैं। थोड़ी सी गमले की मिट्टी आपकी ड्राई होनी चाहिए जब भी आप ये फर्टिलाइज़र दें, और डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत तो आप इसमें थोड़ी हल्दी या फिर फंगीसाइड मिला सकते हैं। और क्योंकि मैं हमेशा देती रहती हूँ, मेरे प्लांट कभी ख़राब नहीं होते हैं, तो आप लोग देख लीजिए। अब लगता हो थोड़ा सा कि ख़राब होने का चांस है तो फिर रहने दीजिएगा, नहीं तो आप दे सकते हैं। क्योंकि बारिश का सीज़न कोई ऐसा नहीं है, एक ही दिन में इनकी मिट्टी ड्राई हो जाती है गमले की, तो उतना ज़्यादा डरने वाली कोई बात नहीं होती। मैं तो यही फर्टिलाइज़र देती हूँ अपने गार्डन में। अभी टिकोमा को भी देना है मुझे, तो फिर से मैं लेकर आऊँगी, अभी ये ख़त्म हो गया। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। और देखिए फूल कितने प्यारे प्यारे से फूल आ रहे हैं मेरे गार्डन में।